हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में वर्ल्ड जीके में महाद्वीप पढ़ रहे थे। चार महाद्वीप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। आज हमारा पांचवा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे क्या कहा जाता है, लेबोरेटरी महाद्वीप, रेफ्रिजरेटर महाद्वीप, हिमाच्छादित महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, जनशून्य महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, शीत मरुस्थल और धड़कता हुआ महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप और सुदूर दक्षिण में स्थित महाद्वीप। ये तो इसके उपनाम है, लेबोरेटरी, रेफ्रिजरेटर, हिमाच्छादित, श्वेत, जनशून्य, गतिशील, शीत मरुस्थल, धड़कता हुआ महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप और सुदूर दक्षिण में स्थित महाद्वीप। अब इसकी स्थिति किन अक्षांशों के मध्य है, तो आप याद रखना अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति है 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्तार है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की, नॉर्वे के एस जे कुल ने की थी। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज नॉर्वे के एस जे कुल ने की। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंसन मेसिप, जो कि 5140 मीटर है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मेसिप। आप ये चोटियां याद रखना, एशिया की है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की है किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका की है माउंट मैकिनले या दिनाली, और दक्षिण अमेरिका की है माउंट एंकाहुइमा या एंकाकागुआ, और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मेसिप, जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। और एरबुस पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में, ये पर्वत है एरबुस पर्वत, जो कि यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एरबुस पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं वो हम देखते हैं। पहला है दक्षिणी गंगोत्री, जो कि 1983-84 में स्थापित किया गया, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था अंटार्कटिका महाद्वीप में, कौन सा था, दक्षिणी गंगोत्री। फिर आया मैत्री, इंदिरा गांधी के समय 1988 में स्थापित। फिर आया भारती 2012 में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो भारत द्वारा अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं वो कुल मिला के तीन है, जिसमें पहला है दक्षिणी गंगोत्री, फिर है मैत्री और फिर है भारती। हिमाद्री आर्कटिक महासागर में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अंटार्कटिका महाद्वीप में तो भारत के तीन अनुसंधान केंद्र हैं, जबकि आर्कटिक महासागर में भारत द्वारा स्थापित पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2015 में की गई थी। भारतीय अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है, गोवा में है। भारतीय अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद का मुख्यालय गोवा में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में वाष्टक नामक स्थान है, जहां का तापमान कितना है, -89 डिग्री सेल्सियस। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वाष्टक, जिसका तापमान कितना है, -89 डिग्री सेल्सियस। जबकि नासा द्वारा इससे भी ठंडा स्थान खोजा गया है, और वो कौन सा है, पूर्वी अंटार्कटिका में, और वहां का तापमान है -94 डिग्री सेल्सियस। अब आता है कि विश्व का सबसे बड़ा हिम ग्लेशियर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा हिम ग्लेशियर है लैम्बर्ट। विश्व का सबसे बड़ा हिम ग्लेशियर है लैम्बर्ट। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कौन से महाद्वीप में देखा गया, तो ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया। मध्य प्रदेश के निवासी हैं प्रकाश खाबरकर, इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप में 14 महीने बिताए, इसलिए इन्हें पोलर मैन भी कहते हैं। ये प्रकाश खाबरकर जो हैं, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप में 14 महीने बिताए, इसलिए इन्हें पोलर मैन के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सा पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पेंगुइन नामक पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता। और अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन से सागर स्थित हैं, रोसा सागर और वेडेल सागर स्थित हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में रोसा सागर और वेडेल सागर स्थित हैं।
अंटार्कटिका महाद्वीप में वर्ष भर तेज हवाएं चलती हैं, जिसे ब्लिजर्ड कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में वर्ष भर तेज हवाएं चलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लिजर्ड कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के केप हॉर्न की तरफ बड़े भाग को पामर प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप याद रखें कि अंटार्कटिका महाद्वीप के केप हॉर्न की तरफ बड़े भाग को किस नाम से जाना जाता है? पामर महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह आपका हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप कंप्लीट। अब अपने दो महाद्वीप बचे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बचा है अपने एक, और उसके बाद बचेगा अपना यूरोप महाद्वीप। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।